दैट इज द सबरिंग। ओके, हम लोग ये सबरिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सबरिंग, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आइडियल। ठीक है, तो पहले हम लोग सबरिंग समझते हैं, सबरिंग क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे रिंग में लगा हुआ सब मीन सब रिंग, मतलब रिंग के अंदर आपको अगर कोई मतलब एक और रिंग मिल जाए तो आपको उसको हम लोग कहेंगे सब रिंग। ठीक है, जैसे आपका सब सीक्वेंस, सब इंटरवल, ठीक है, इस तरह के जब उसमें सब सब स्पेस, तो ये सारा चीज़ आपका इसमें आता है, तो आपका आर रिंग है। ठीक है, अगर ये रिंग है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, ये रिंग है, अगर इसके अंदर ये अगर आ जाए तो ये रिंग के अंदर, तो ये आपका क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, सब रिंग कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, वो उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको क्या होना चाहिए, ये उसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ये जो है उसका सबसेट होना चाहिए आपका, ये चीज़ याद रखना। ऑपरेशन आपका, जो ऑपरेशन तो इसमें से एक ही है, प्लस और माइनस, प्लस और इंटू, उसमें प्लस और इंटू आपका ऑपरेशन है। अब यहाँ पर समझ लेंगे आप, जैसे आपको रिंग में आपको ये समझ में आता होगा, रिंग जो है, रिंग क्या होता है आपको पता होगा। सबसे पहले आपको क्या होगा, R प्लस क्या होता है आपका, एक एबेलियन ग्रुप होता है, एच ही होता है, और R डॉट R इनटू जो होगा आपका, ये क्या होता है आपका, सेमी ग्रुप होता है, सेमी ग्रुप विथ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। ये चीज़ आप समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सबरिंग। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है सबरिंग का, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये देखेंगे कि सबसे पहला जो है आपका S प्लस, ये जो है एक आपका नीचे ग्रूफ, ये क्या होगा, ये ग्रूफ होगा, ये ग्रूफ, ये क्या होना चाहिए, एक ग्रूफ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा आपका S इंटू, मतलब S अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये आपका S प्लस है, S अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ए क्लोज, इज क्लोज, क्लोज का मतलब होगा ए बी को जो किससे बिलोंग करेगा आपका, एस से बिलोंग करेगा, ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, एस होगा। ठीक है, ये चीज़ जानते हैं क्या, ये है आपका, और वेयर ए और बी, ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस और बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। और इसका दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला इसका जो डिफाइन क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट अगर ए और बी जो है बिलोंग कर रहा है आपका एस से, ए और बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है एस से, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, अगर ए माइनस बी भी क्या हो, एस से बिलोंग होगा, तो ये हम लोग सबरिंग का पार्ट आता है। नेक्स्ट नंबर टू, नेक्स्ट टू में इसी तरह देखेंगे आप, ए और बी जो है किससे बिलोंग कर रहा है, एस से, तो इसकी जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ये अगर इस एस से बिलोंग करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंडीशन अगर होल्ड करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे उसको। और नेक्स्ट जो है आपका नंबर तीसरा, जीरो इज बिलोंग्स टू एस, मतलब ये क्या होना चाहिए आपका, एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी आपका होना चाहिए, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका, ये अगर ऐसा कंडीशन अगर होल्ड करे, तो ये कंडीशन अगर होल्ड करेगा, तो ये या तो ये कंडीशन होल्ड करे या तो ये कंडीशन होल्ड करे, तो ये दोनों में क्या होगा, ये सबरिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ, इसका एग्जाम्पल जो होगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को कि जैसे जेट मतलब इंटीजर, ठीक है, इंटीजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ए सबरिंग ऑफ, किसका सबरिंग होगा बताएं, इसका ये किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का सबरिंग ऑफ क्या होगा, रियल नंबर अंडर एडिशन एंड द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब ये भी लिख सकते हैं, इंटीजर एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो होगा आपका, इज ए सबरिंग ऑफ, इज ए सबरिंग ऑफ, सबरिंग ऑफ क्या होगा, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिख लें आप, ये क्यों लिख लें, रैशनल नंबर लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं रियल नंबर अंडर एडिशन इन द मल्टीप्लीकेशन इज ये सबरिंग ऑफ, सबरिंग ऑफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, ठीक है, ये सबरिंग नहीं बन सकता इसका। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट जो है जेड, ठीक है, इज ए सबरिंग ऑफ, सबरिंग ऑफ क्या होगा आपका, कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इस चीज़ एग्जाम्पल नंबर टू आपको ये याद रखना है कि सबरिंग कैसे बनता है। ठीक है, आप यहाँ पे समझें, यहाँ पे ये समझेंगे आप कि अगर एस प्लस, ये अगर कोई सेट दिया हुआ है आपका, इज ए सबरिंग ऑफ, इज ए सबरिंग ऑफ, क्या ये सबरिंग होगा, सबरिंग ऑफ
कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर प्लस अंडर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह का जब भी ऐसे होगा आप समझेंगे सबसे पहले कि ये तो है आपका, ये जो होगा आपके इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये रिंग तो बनेगा, ये तो रिंग बनेगा, लेकिन इसके अंदर जो है ये सबरिंग नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे। इस तरह में आपका नॉट सबरिंग, ये आपका सबरिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब आप दो नंबर को लेंगे इसके साथ लाइन नहीं करेगा आपका, ठीक, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे इसका एग्जांपल है, हम लोग इसको प्रूफ ले लेते हैं हम लोग। तो प्रूफ में अगर हम लोग लिखते हैं कि जीरो तो बिलोंग करेगा, इसमें कोई बात नहीं, जीरो इज बिलोंग्स टू एस, दोनों से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हम लोग अगर दूसरा कंडीशन लेके अगर दो नंबर लेते हैं उसको और दोनों को क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज ए वन लेते हैं, फिर बी वन लेते हैं, फिर सी वन लेते हैं, ये बिलोंग्स टू एस, और अगला लेते हैं क्या ए टू लेते हैं, बी टू लेते हैं, सी टू इज बिलोंग्स टू एस, दोनों को घटा देते हैं हम लोग, तो क्या होगा आपका ए वन माइनस ए टू, और क्या होगा आपका प्लस बी वन, सॉरी ए वन माइनस ए टू, फिर क्या होगा बी वन माइनस बी टू, फिर क्या होगा सी वन माइनस सी टू इज बिलोंग्स टू एस। नो, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपका कभी नहीं हो पाएगा आपका, ठीक। तो ये जो है ये आपका आ जाएगा इसमें, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, जैसे कि आप समझ लें इस चीज़ को। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अगर एक्स का वैल्यू अगर कुछ ले लेते हैं, अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, ऐसा चीज़ उसमें आना चाहिए आपका। तो देखें आप नेक्स्ट, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल एग्जांपल नंबर थर्ड, इसमें देखेंगे हम एस इक्वल टू समथिंग कुछ दिया हुआ आपका, एस इक्वल टू क्या है ए बी सी, ठीक है, ये दिया हुआ बिलोंग्स टू क्या आपका आर इंटू आर इंटू आर, ये दिया हुआ, ये आपका बिलोंग दिया हुआ आर इंटू आर, सच दैट, सच दैट क्या होगा आपका, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ठीक, ये चीज़ आपका आना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे, सबसे पहले तो ये हम लोग को जो इसमें लेंगे हम लोग, सबसे पहले तो क्या होता है जीरो इज बिलोंग्स टू एस, तो ये तो होगा आपका, क्योंकि जब इसका वैल्यू लेंगे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या होगा आपका जीरो, और ये आपका जीरो यहाँ पे कुछ ये फाइव है आपका, यहाँ पे देखें पहला तो क्या लेंगे ए ले लेते हैं क्या जीरो, बी ले लेते हैं कितना जीरो, सी इक्वल टू क्या लेते हैं जीरो, तो आप ये क्या होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या होगा जीरो, इसका मतलब ये जीरो इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या है फाइव, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जीरो इज़ नॉट बिलोंग्स टू क्या है आपका एस, ये एस से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपका ये है, तो ये क्या होगा आपका सबरिंग नहीं होगा, ठीक है, ये आपका सबरिंग नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट सबरिंग, ठीक है, तो ये आपका सबरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल कर लेंगे आप, ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे कर लेंगे, कुछ एग्जांपल आपको हम देखते हैं एग्जांपल को, जैसे एस इक्वल टू यहाँ पे क्या है ए और बी, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर, और आर इन टू आर है सच दैट, सच दैट, सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू क्या है आपका ए प्लस बी इक्वल टू कुछ ले लेते हैं हम लोग ए प्लस बी इक्वल टू सेवन जीरो, ठीक है, ये ले लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल फाइव, एस इक्वल टू क्या लेते हैं ए बी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये क्या आपका आर इन टू आर सच दैट ए प्लस बी इक्वल ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू क्या है ए इंटू बी इक्वल टू क्या है टू है, ठीक है, ये आप देख लेंगे इसको। ये आपको पता होगा ये क्या होगा, ये मैट्रिसेस, ये क्या है मैट्रिसेस, और ये मैट्रिसेस किसके अंदर है रियल नंबर के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे सबरिंग को चेक करेंगे, तो सबरिंग चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा सबरिंग की चेक कैसे क्या आता है, तो पहले होना चाहिए जीरो इज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए एस, ये होना चाहिए आपका। दूसरा जो होगा हम लोग के पास क्या होना चाहिए ए ए माइनस बी इज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए एस, वेयर ए एंड बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, ठीक है, और तीसरा क्या होना चाहिए ए डॉट बी इज बिलोंग्स टू क्या होगा एस, वेयर ए एंड बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, ये चीज़ आपका आना चाहिए। अगर ये चीज़ आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे ये सबरिंग है, अदरवाइज हम लोग सबरिंग नहीं होगा तो इसको हम लोग सबरिंग नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, और ये सारे एंट्री जो होगा रियल नंबर से ही होगा, ठीक है, ये सारा एंट्री जो होगा हम लोग का वो कहाँ से होगा, ये रियल नंबर से एंट्री होगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जीरो इज बिलोंग्स टू एस लेते हैं, मतलब यहाँ पे क्या लेते हैं ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग जीरो, तो हम लोग यहाँ से क्या ले लेंगे ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीरो जो है इज बिलोंग्स टू क्या आपका रियल नंबर, ये है जीरो इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग बैठा लेते हैं ये, ठीक, ये हम लोग क्या लिखते हैं क्या जीरो 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 जीरो, ये आ जाएगा,
और ये किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी की जब जीरो हो सकता है तो ये पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया आपका, ये आपका। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, चेक कंडीशन नंबर टू चेक करते हैं। तो कंडीशन नंबर टू में देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, कंडीशन नंबर टू में हम लोग क्या लेना, ए लेना है, क्या लेना, बी लेना है। तो इक्वल टू हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स को एक्स वन और वाई वन लेते हैं, इक्वल टू क्या हुआ, जीरो जीरो। और पी इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, एक्स टू और वाई टू, इक्वल टू क्या हुआ, जीरो जीरो ले रहे हैं हम लोग। अब हमको प्रूव क्या करना है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो आप देखते हैं ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस करना है हम लोग को। तो ए का वैल्यू कितना आपका, ये तो ये क्या होगा आपका एक्स वन जीरो और ये क्या होगा वाई वन जीरो, और माइनस क्या होगा आपका एक्स टू जीरो और ये क्या होगा वाई टू जीरो। तो आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे आप, तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा आपका एक्स वन माइनस एक्स टू ये जीरो होगा, ये वाई वन माइनस वाई टू ये क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, अब एक्स वन माइनस एक्स टू, अब ये देखेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू किससे बिलोंग करेगा, देखें कोई भी नंबर लेंगे ना वो रियल नंबर से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर लेंगे यहाँ पे एक्स वाई वन के, इसका ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी क्या हो गया आपका, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपका सेकेंड कंडीशन में भी आ गया आपका। तो क्योंकि एक्स वन में कुछ भी लें आप, थ्री फोर कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, तो ये बिलोंग्स कर जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, ए डॉट बी क्या होना चाहिए आपका, एस में बिलोंग करना चाहिए। तो हम लोग क्या करना चाहिए करेंगे, हम लोग इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना आपका एक्स वन जीरो वाई वन जीरो और ये क्या होगा आपका एक्स टू जीरो और ये क्या होगा आपका वाई टू क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स का नेचर हमेशा मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताएं, रो टू कॉलम, तो एक्स वन इंटू क्या होगा एक्स टू, एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस जीरो इंटू वाई, खत्म हो गया ये आपका एक्स वन इंटू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, एक्स वन एक्स टू वाई वन क्या हो जाएगा, ये एक्स टू तो ये एक्स सॉरी एक्स टू वाई एक्स टू वाई वन फिर क्या होगा आपका जीरो। तो आप देखें ये भी बिलोंग करेगा, कोई भी दो नंबर को हम लोग लेंगे, कोई भी दो नंबर को हम लोग अगर लेंगे तो यहाँ से इसको वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा ये वाई वन एक्स टू। ठीक है, ए बी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, वाई वन और एक्स टू भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से करेगा। इसका मतलब ये आपका इससे बिलोंग करेंगे, तो यहाँ से जो है एस जो है क्या है आपका ए बी और ये क्या जीरो जीरो, ये सबरिंग, ये क्या है आपका एक सबरिंग है, और ये सबरिंग किस में है आपका एम टू आर में, ये क्या है आपका सबरिंग है। तो ये क्वेश्चन आप समझ के सब इसको बनाएंगे आप। नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट लेते हैं एस इक्वल टू क्या लेते हैं जीरो जीरो, और ये क्या आपका बी और ये क्या आपका जीरो। ठीक है, वेयर वेयर ए बी बिलोंग्स टू क्या आपका, ए बी बिलोंग्स टू आर, और ये कैसा है आपका एम टू आर, ये आपका दिया। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, तीनों कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे कि ये सबरिंग है कि नहीं, ये चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सबरिंग के लिए जो कंडीशन होता है आपका, वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, सबरिंग है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कंडीशन क्या क्या होता है आपका, सबसे पहले जीरो ही बिलोंग्स टू एस है आपका, नेक्स्ट जो है ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस है, नंबर नेक्स्ट है ए डॉट बी बिलोंग्स टू क्या आपका एस। ठीक है, ये सारा चीज़ है। तो आप यहाँ पे समझेंगे पहले, सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं पहला कंडीशन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, बी का वैल्यू कुछ भी लिख लें हम लोग, तो जीरो पे बिलोंग ही करेगा आपका। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जीरो 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 जीरो, मीन्स ये क्या है आपका जीरो इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है आपका जीरो इज बिलोंग्स टू, ये भी ये किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, हम लोग एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं हम लोग जीरो जीरो, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या एक्स वन और ये आपका जीरो और ये आपको वाई वाई इक्वल टू लिख लेते हैं जीरो जीरो, ये क्या होगा आपका वाई वन के जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई घटाएंगे, तो एक्स माइनस वाई करेंगे, तो एक्स माइनस वाई करेंगे क्या होगा आपका, देखें तो ये होगा आपका जीरो 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 जीरो, ये क्या होगा एक्स वन जीरो, तो ये क्या होगा आपका जीरो जीरो, ये क्या होगा वाई वन जीरो। इसको घटा लें आप, जब इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा आपका जीरो जीरो, ये क्या होगा आपका एक्स वन माइनस वाई वन, एक्स वन माइनस वाई वन ये होगा जीरो। ठीक है, अब एक्स वन माइनस वाई वन कुछ भी करेंगे ये जीरो से बिलोंग करेगा आपका। ठीक है, कुछ भी करेंगे आप एक्स वन माइनस वाई वन ये क्या होगा आपका बिलोंग करेगा, किससे करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये भी सेकेंड कंडीशन क्या हो गया आपका, सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग थर्ड कंडीशन देखते हैं। ठीक है, हम लोग अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। तो थर्ड कंडीशन में क्या आपका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू वाई करेंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या जीरो जीरो, ये क्या आपका एक्स वन जीरो और ये क्या आपका जीरो जीरो, ये क्या आपका वाई वन जीरो।
मल्टीप्लाई करने का जो रूल है आपका, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। ठीक है, ये इसके साथ आ गया आपका, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये फिर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये करेंगे आप जी इसके साथ, फिर ये जीरो। तो आप देखें ये आपका बिलोंग्स नहीं किया, मतलब एक्स वाई जो है आपका, एक्स वाई मतलब आप कहेंगे क्या, एक्स वाई मतलब क्या आपका, ए बी इज नॉट बिलोंग्स टू एस। देखें आप, क्योंकि इस जगह क्या होना चाहिए था, देखें इस जगह कोई रियल नंबर होना चाहिए आपका, एक्स वाई एक्स वन वाई वन होना चाहिए था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा नंबर एग्जिस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब थर्ड कंडीशन जो है मतलब नॉट सेटिस्फाई क्लोज विथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं किया, और ये अगर सेटिस्फाई नहीं किया ये क्या होगा आपका, एस इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो जीरो बी जीरो इज नॉट सेट नॉट अ सबरिंग, ये आपका सबरिंग नहीं है, ए बी सी जीरो, ये देखेंगे ये आपका सबरिंग बनेगा नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस जो है सारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ए बी सी डी, ये इसमें देखेंगे ये है कि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए जीरो जीरो बी, ये है कि नहीं है। नेक्स्ट एस इक्वल टू क्या देखेंगे, ए बी, और ये क्या देखेंगे, जीरो जीरो, ये है कि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीरो जीरो ए बी, ये भी देखेंगे ये है कि नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आप ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी, सब इसमें चेक करेंगे अगर ये बिलोंग करता है इसका रिजल्ट। ठीक, रिजल्ट नंबर वन में ये है कि एस जो है पहला एस से है ज़ीरो एंड एस इक्वल टू आर। ठीक है, एस इक्वल टू आर आर ऑलवेज सबरिंग, ये दोनों हमेशा क्या होगा, सबरिंग होगा, आर ऑलवेज सबरिंग, मतलब जीरो वाला पार्ट और पूरा जो है वो दोनों क्या होगा आपका, सबरिंग होगा। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक हम लोग ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे रिजल्ट नंबर टू में क्या है हम लोग के पास कि सो जो हम लोग का क्या है, एस इक्वल टू एम जेड, एम जेड का मतलब ये हो गया, एम को हम लोग जेड के साथ जो भी चीज़ हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस सबरिंग ऑफ हमेशा क्या होगा, इस सबरिंग ऑफ क्या होगा आपका, जेड प्लस। ठीक है भैया, एम इज बिलोंग्स टू जेड, क्या होगा, एम किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देखिए। नेक्स्ट देखिए आप, अब हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं सबरिंग का, कैसे काउंटिंग करेंगे वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग काउंटिंग ऑफ सबरिंग देख रहे हैं, काउंटिंग ऑफ सबरिंग। ठीक है, ये जैसे आपका जो आपका सब स्पेस में होता है उसी तरह का यहाँ पर भी होता है, अब काउंटिंग ऑफ सबरिंग। ठीक है, कैसे हम लोग सबरिंग का काउंटिंग करेंगे। ठीक, तो पहला ये है आपका, अगर जो भी सबरिंग है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे समझ लें इसका मतलब क्या है, अगर जेड कोई अगर आपका सबरिंग दिया हुआ है, आपका जेड जो दिया हुआ है, इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे, जीरो है, टू जेड है, थ्री जेड है, फोर जेड, ये सारा सबरिंग को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसका जो कितना सबरिंग होगा, जैसे आप देखें काउंटिंग में जेड प्लस ये, इसका जो है इसका कितना सबरिंग होगा, इन्फिनाइटली होगा। ठीक, आप इन्फिनाइटली मैनी सबरिंग। ठीक है, इसका इन्फिनाइटली मैनी सबरिंग होता है। नेक्स्ट आप देखिए रियल नंबर एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो है आपका, ये क्या होगा आपका, इसका भी क्या होगा आपका, इन्फिनाइटली मैनी सबरिंग होगा, मैनी सबरिंग, इसका भी सेम होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रियल नंबर एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इन्फिनाइटली मैनी सबरिंग। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट होगा रैशनल नंबर एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये भी क्या होगा आपका, इन्फिनाइटली मैनी सबरिंग होगा आपका। ठीक है, ये सारा में अब हम लोग यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जेड एन का देखेंगे सबरिंग। ठीक है, ये हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सबरिंग ऑफ जेड एन। अब जेड एन सेट का हम लोग सबरिंग को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबरिंग ऑफ जेड एन हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। ठीक, आपको पता होगा जेड एन सेट में क्या क्या आपका है, आपको पता होगा ये जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, आपको क्या होगा आपका एन माइनस वन तक जाएगा। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे एन माइनस वन तक, ठीक है, अगर यहाँ पे इफ एम डिवाइड एन, अगर एम एन को डिवाइड करता है, देन जो भी हम लोग के पास हो एम डिवाइड एन, देन आई इक्वल्स टू जीरो होगा आपका, वहाँ पे इसका जो सबरिंग कैसे निकलेगा, एम इंटू
क्या हुआ कंसेप्ट, इस तरह करके उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबरिंग उसका निकालेगा, ये जो भी निकलेगा उसको क्या होगा हम लोग का, ठीक, ये उसका सबरिंग निकलेगा। अब यहाँ पे जो भी यहाँ से निकलेगा वो क्या होगा, ये सबरिंग, ये सबरिंग ऑफ जेड एन, ये जेड एन का क्या होगा आपका सबरिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग के पास जो भी हम लोग को एम से मल्टीप्लाई कर करके हम लोग को वहाँ पे निकालेंगे तो वो हम लोग का सबरिंग होगा। नेक्स्ट है आपका, इसका मतलब आपको ये समझ लिया कि इसको समझने, सबरिंग ऑफ जेड एन आर, जब भी सबरिंग होगा जेड एन का, जेड एन आर क्या होगा, एम इंटू जेड एन, ठीक, ये हमेशा होगा सबरिंग ऑफ एम जेड एन आर, हमेशा क्या होगा एम इंटू जेड एन, वेयर एम हमेशा क्या होगा आपका, वेयर एम हमेशा किसको डिवाइड करेगा, एन को डिवाइड, अगर m डिवाइड कर रहा है n को तो उसका क्या होगा सबरिंग होगा, ठीक, m हमेशा उस n को डिवाइड करना चाहिए, ये चीज़ आप समझेंगे। जैसे हम एग्जांपल आपको हम यहाँ पे देते हैं, और नंबर ऑफ सबरिंग ये आपका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, ये समझेंगे कि m हमें अगर n को डिवाइड कर रहा है तो उसका सबरिंग होगा, ठीक है। जैसे आप देखें एक चीज़ को, जैसे अगर हम आपको बोलते हैं कि जेड एट है ना, जेड एट एन का वैल्यू कितना, आठ है, ठीक है। अब आठ का सबरिंग कौन कौन होगा, तो आठ जो होगा आपको कौन कौन सा चीज़ आठ को डिवाइड करेगा, तो आपको एक तो ट्रिवियल होगा ही, जीरो तो आपको होगा ही आपका, तो वन से डिवाइड होगा एट, यस होगा, टू से होगा एट, यस होगा, थ्री से होगा एट, नहीं होगा मतलब ये सबरिंग नहीं होगा, फोर से एट होगा, यस होगा, फाइव से नहीं होगा तो ये नहीं होगा, सिक्स से एट होगा, नहीं होगा तो ये नहीं होगा, सेवन से एट होगा, नहीं होगा ये, तो ये चीज़ आपको चेक करना है, जो भी डिवाइड करेगा जिसमें सबरिंग कौन कौन होगा, देखिए आपका जीरो वाला सबरिंग होगा, नहीं होगा, ये सबरिंग है, ये सबरिंग है, ये और सब सबरिंग जो होगा, नंबर ऑफ सबरिंग ऑफ जेड एन जो होगा वो क्या होगा आपका टाऊ एन होगा, क्या होगा टाऊ एन, और आपको पता होगा टाऊ एन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये आपको टाऊ एन होगा फॉर्मूला में, ये चीज़ याद रखेंगे, जेड एन का सबरिंग निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा टाऊ एन। एक हम आपको निकालते हैं यहाँ पे सबरिंग, ठीक है, एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं, फाइंड ऑल सबरिंग ऑफ हम लोग जेड ट्वेल्व का सारा सबरिंग निकालेंगे, तो जेड ट्वेल्व का सबसे सारा सबरिंग निकालने का मतलब ये हो गया कि सबरिंग जो होगा इसको जेड ट्वेल्व को कौन कौन डिवाइड करेगा वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब देखें आप, सबरिंग ऑफ जेड ट्वेल्व, इसका मतलब ये किसको डिवाइड कौन कौन करेगा, वन करेगा, टू करेगा, तीन करेगा, चार करेगा, छः करेगा, और कोई करेगा, कौन है, बारह करेगा, ठीक है, इतना ही इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बारह का जीरो सबरिंग होगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा वन का, तो वन से आपका यहाँ पे क्या होगा वन का सबरिंग से आपको जो निकलेगा आपका क्या निकलेगा, एक जेड ट्वेल्व निकलेगा, जेड इन टू ट्वेल्व करेंगे। अब टू से अगर करेंगे तो अब टू से आपको पता होगा, टू से अगर करेंगे जितने भी इस पूरी सबरिंग को आपको टू से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इसका वैल्यू होगा कि कितना आ जाएगा आपका देखेंगे, जीरो आएगा, टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, एट होगा, टेन होगा, इससे बाद नहीं होगा आपका। अब जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होगा आपका, जीरो होगा, थ्री होगा, सिक्स होगा, नाइन होगा, इसके बाद नहीं होगा आपका। फिर फोर से करेंगे, फोर से क्या होगा आपका, जीरो होगा, फोर होगा, एट होगा, ठीक है, ये उसके बाद नहीं होगा आपका। फिर क्या करेंगे, सिक्स से करेंगे, सिक्स का भी वही होगा, पहले जीरो होगा, फोर होगा, ये क्या होगा आपका, एट होगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ट्वेल्व का करेंगे, ट्वेल्व का एक ही आएगा आपका, सिर्फ क्या होगा आपका, जीरो। तो कितना सबिंग होगा कि देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, अब छः इसमें आपका निकलेगा आपका सबिंग, तो छः सबिंग हो गया, इसका मतलब हम लोग टाऊ एन निकालेंगे, टाऊ एन हम लोग का पता होगा, टाऊ एन का निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग देखें टाऊ एन मतलब टाऊ क्या, ट्वेल्व। अब टाउ ट्वेल्व निकालने के लिए हम लोग को क्या होता है, देखिए आप टाउ के लिए मतलब क्या है, ट्वेल्व, ठीक है, यहाँ पे टू से कटेगा सिक्स होगा, टू से कटेगा कितना होगा, थ्री होगा, तो ये क्या होगा आपका, ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, टू इंटू क्या, थ्री, तो पावर क्या है आपका, टू का स्क्वायर है आपका, थ्री का क्या है आपका, वन है। तो यहाँ से आपका जो टोटल पावर कितना होगा आपका, देखें तो ये क्या होगा आपका टू प्लस वन, ये क्या होगा आपका वन प्लस वन, पावर को ऐड किया जाता है आपका तो ये क्या होगा थ्री इंटू टू, इसका मतलब क्या होगा सिक्स, तो देखिए सिक्स सबरिंग हुआ होगा इसका, एक दो तीन चार पाँच छः, छः सबरिंग होगा इसका, इस तरह करके हम लोग इसका सबरिंग को फाइंड करते हैं, फाइंड ऑल सबरिंग्स ऑफ जेड एट। अब हम लोग जेड एट का टोटल सबरिंग देखेंगे, अब टोटल सबरिंग तो आपको पता होगा क्या होगा इसका, देख लें उसको हम निकालते हैं, टोटल सबरिंग्स,
तो आपको क्या होगा ये टाउ एट, टाउ एट का मतलब पता होगा आपको, एट को लिखेंगे टू का क्यूब, तो आपको पता होगा कैसे लिखा जाता है, आपको टाउ निकालने का जो होगा एक ऐड होता है मल्टीप्लाई आ जाता है टू पे पावर थ्री, कहते मतलब थ्री प्लस वन कितना होगा ये फोर, ये आपका फोर हो जाएगा, फोर सबरिंग होगा। आप जेडेट का क्या क्या होगा देखिए, जेडेट का क्या क्या होता है आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हो जाएगा आपका। अब इसको डिवाइड करने वाले क्या हो क्या होगा आपका देखिए, सबरिंग ऑफ जेडेट ये क्या क्या होगा, कौन कौन डिवाइड करेगा, वन करेगा टू करेगा फोर करेगा और कौन से करेगा एट करेगा, इसके अलावा तो कोई करने वाला है नहीं इसमें, इसको डिवाइड करने वाले वन टू फोर एट। अब हम लोग वन से सबरिंग निकालेंगे, वन से निकालने का मतलब हो गया वन इंटू एम जेड, मतलब वन इंटू एम जेड एट, ये फॉर्मूला होता है आपका एम जेड, एम का वैल्यू वन है इंटू जेड एट, जितना भी एलिमेंट है जेड एट का वन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा आपका, वही होगा आपका जीरो होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फाइव होगा सिक्स होगा सेवन, ये हो गया आपका। अब हम लोग निकालते हैं किसका, सबरिंग जनरेटेड बाई टू, तो ये क्या होगा आपका टू सेट, टू जेड का मतलब होगा टू इंटू जेड एट, टू जेड मतलब ये होगा आपका कितना, अब जेड एट के जितने भी एलिमेंट होगा टू से मल्टीप्लाई करें, टू इंटू जीरो जीरो, टू वन जै टू, टू टू जै फोर, टू थ्री जै सिक्स, टू फोर जै एट, तो फिर सबका वही आपका आने वाला, ठीक। अब जो भी आएगा आपका वही आ जाएगा आपका, रिपीट वही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कितना, किसका निकालेंगे फोर का, तो फोर इंटू जेड, फोर इंटू जेड मतलब फोर इंटू जेड एट, तो क्या होगा आपका यहाँ पर चार से मल्टीप्लाई करें, जीरो चार फोर वन जै फोर, फोर टू जै एट, फोर टू फोर थ्री जै ट्वेल्व, मतलब जीरो फोर ही होगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग जैसे जनरेटर बाई एट, एट का मतलब क्या होगा आपका, एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट इंटू जीरो, एट टू जै सिक्सटीन, मतलब ये क्या आपका होगा जीरो, ये निकल गया आपका टोटल। इस तरह करके हम लोग सबरिंग को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान देंगे इस चीज़ को, नेक्स्ट आप हम लोग आप देख लेंगे, ठीक है। इस सबरिंग जो है कैसे निकाला जाता है आप कुछ इसमें देख लेंगे, जैसे जेड ट्वेल्व का देखेंगे, जेड सिक्सटीन का देखेंगे, जेड ट्वेंटी का देखेंगे, जेड फोर्टी का, जेड फिफ्टी का, जेड हंड्रेड का, जेड नाइन्टी सिक्स का, जेड फिफ्टी फोर का, जेड सिक्सटी फोर का, ये सारे का आप सबरिंग बना लेंगे, अब देखेंगे कितना होगा टोटल नंबर ऑफ सबरिंग, ठीक है। एक छोटा दे देते हैं जिसमें आप सबरिंग को टेस्ट कर देते हैं कितना सबरिंग निकलेगा, ये आप निकाल पाएंगे इसका, दस हो गया, बारह हो गया, बारह चौदह हो गया, सोलह तक कर लेंगे कम से कम सबरिंग निकाल देंगे, जेड ट्वेंटी जेड एट्टी, ठीक है। ये आपका सबरिंग ऑफ जेड, ठीक है। ये क्या होगा इसका समझते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, इफ़ ए इज बिलोंग्स टू जेड, अगर ए किससे बिलोंग कर रहा है, जेड आई से क्या कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन 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 जेड आई जो होगा आपका जनरेटेड किसे करेगा आपका ए, ठीक है। ये आ जाएगा इज ए सबरिंग ऑफ जेड आई, ये क्या होगा, ये चीज सबरिंग ऑफ जेड, अगर वो उससे बिलोंग कर रहा है तो जेड आई का क्या होगा आपका सबरिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखें ए जो होगा किससे जनरेट होगा आपका ए, ए से उससे बिलोंग करना चाहिए आपका, इनटू क्या होगा जेड आई, जेड आई में उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जो भी उसका वैल्यू ए का वैल्यू अगर उसमें बिलोंग करा तो वो उसको वैल्यू करेंगे आप, ठीक है। और सच दैट ये होगा आपका ए एक्स, सच दैट ए एक्स एक्स इज बिलोंग्स टू जेड आई, ठीक है। एक्स इज बिलोंग्स टू क्या होगा आपका जेड आई, ठीक है। ये चीज़ आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबरिंग जो होगा इसका, जेड आई का क्या होगा आपका नंबर ऑफ सबरिंग जो होता है जेड आई का होता है कितना होता है इन्फिनिटी, सबरिंग ऑफ जेड आई, इसको हम लोग गायब नहीं निकाल सकते, इसको इसका कितना होगा आपका इन्फिनिटी होगा इसका सबरिंग ऑफ जेड आई का। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि कैसे आपका सबरिंग निकलता है इसका, इसका तो आपको ये डायरेक्ट जानेंगे जेड आई का टोटल सबरिंग कितना होता है आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसके लिए कोई आपका कंडीशन ऐसा नहीं है कि इस तरह का आप सबरिंग इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है सम ऑफ टू सबरिंग, अभी हम तुरंत बताए थे कि सबरिंग को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे आप जोड़ते हैं वैसे ही आप सबरिंग को जोड़ेंगे, आपको जोड़ और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए इसका सबरिंग का, ठीक है। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी आर टू सबरिंग, देन देन टू सबरिंग, देन sum of a plus b, sum of a and b is denoted by, is denoted by a, sum of a and b is denoted by, कैसे denote करेंगे हम लोग, a plus b equal to क्या होगा, a plus b होगा
और ए प्लस बी होगा यहाँ पे, ए प्लस बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये चीज़ इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर ए इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कैसे जोड़ते हैं वो बताते हैं। ए इक्वल टू अगर हम लोग 5z है और बी इक्वल टू क्या है 8z है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। और कैसे जोड़ेंगे आपको देखिए, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5z प्लस क्या होगा आपका 8z, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ से 5z प्लस 8z हो जाएगा आपका, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, ये z में आपका क्या होगा आपका, यहाँ पे लिख देंगे आप यहाँ 5a कुछ भी लिख देंगे, 5a1 प्लस क्या होगा आपका 8a2, और a1 a2 किसे बिलोंग करेगा आपका, z से बिलोंग करेगा, ठीक है। a1 a2 क्या होगा आपका, z से बिलोंग करेगा। इस तरह करके आप उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग